चैनल आज हम जानेंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर के घटक से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और इसके साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी जानेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, इसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर के प्रमुख घटक के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? इसका आंसर है सी, इसका है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस का पूर्ण रूप सही पूर्ण रूप है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और उन्हें कॉन्फिगर भी करता है। इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसका आंसर डेटा को। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डेटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डेटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक संख्यात्मक डेटा, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? इसका आंसर है दी गई सूचना को। डेटा कोई भी सूचना को हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है और अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, कंप्यूटर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डेटा को हो सकते हैं। अगले है, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली या संचालन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है किसकी? इसका आंसर सिलिकॉन की। कंप्यूटर प्रयोग होने वाली आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा माना जाता है? इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज को। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन मतलब एनालिटिकल इंजन को विकसित किया, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है, बाकी मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू कंप्यूटर के हार्डवेयर का के भाग हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये कोई कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो इसमें हम समझ सकते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, माउस हुआ, मदरबोर्ड और प्रिंटर आदि। सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम पर संग्रहित होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, असेंबलर आदि, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? इसका आंसर बाइनरी। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसके अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और कौन से सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर है डेटा इन्फॉर्मेशन। डेटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्फॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं जब कोई तथ्य प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता तो उसे डेटा कहते हैं। रिकॉर्ड हमेशा अपूर्ण
फैक्ट को प्रदर्शित करता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण डेटा या सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसमें डेटा जो रहेगा वो पहले लिखा जाएगा, इंफॉर्मेशन रहेगा वो सेकंड में लिखा जाएगा।